बातें जो उन 2019 में शुरू हुई 2020 तक चलती गई चलती गई चलती गई। आई हैव विद मी फिरोज खान। हाय, आई फिरोज, हाउ आर यू? एम वेरी वेल, हाउ आर यू? साल बाद बड़ी मुश्किल से वी आर हियर अगेन एट कोयल एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एंटायर ईयर। I'm sitting at the same place just without my hair. We don't know that you have hair or you don't have hair. Yeah, I do have hair now. They're growing back. हाँ, yeah. Let's start with your hair then. बहुत लोगों ने ये पूछा सवाल कि फिरोज ने why did you shave your head? Why did I shave my head? So I had gone to Hajj and I was committed doing my film and my drama. जी. So obviously, I mean, it's not possible you do it there and then. हाँ. But I requested Allah. I was like कि मैं वापस जाके अपनी कमिटमेंट खत्म करके, बिकॉज हमने हमेशा ये सुना है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं करूँगा, लेकिन हुकूक अल्लाह माफ़ कर दूँगा। तो मैंने बोला कि मेरी वजह से इतने सारे लोग प्रॉब्लम में ना आ जाएं जो सब शूटिंग में इन्वॉल्व हैं, तो आई वुड गो बैक एंड आई वुड डू इट। तो आई केम बैक एंड आई फिनिश माई प्रोजेक्ट्स माई कमिटमेंट्स एंड देन आई शिफ्ट इट। तस्वीर बड़ी अच्छी थी हज वाली, थैंक यू। मुझे लगा जैसे कि कियानो रीव्स टाइप वाइब्स थी। वो ली किसने थी तस्वीर? वो एक मेरे दोस्त हैं अजमल, उनके साथ मैं गया था तवाफ करने के लिए, तो उन्होंने वो फोटो ली थी। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर वो वापस जाते हैं 2019 में। इट वॉज अ बिग ईयर फॉर यू। 2019 वॉज आई थिंक अ वेरी गुड ईयर। आप यू हैड योर सन सुल्तान इन 2019। आपको लक्स चाइल्ड अवार्ड मिला फॉर योर परफॉर्मेंस इन खानी। इट वॉज अ रियली बिग मोमेंट। आपका ड्रामा हिट हुआ। इट वॉज अ आपने हज किया, सो अल्हम्दुलिल्लाह। इट वॉज अ रियली गुड ईयर। And Hajj, I think, is the most fascinating. Why? Because this is exactly what I told somebody really close to me. So I was told ke yaar, we'll go next year and together. So I was like, no. And I was really like confident about it. I was like, no, not next year. Why? Because then what if I'm not able to go? And 2020 was only, I think, 10,000 people got to bilkul, do Hajj. Bilkul. And I was like, I still can't thank God. यार अगर मैं आपका लिखा था वक्त और आपको अभी भी नहीं पता कि वो खुल रहा है नहीं खुल रहा, जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल। So I think it was the best decision God made me do. And absolutely. Yeah. So Feroz, when you look back on 2020, yeah. इस साल के बारे में आप इस 2020 को कैसे याद करेंगे? अगले साल when you look back on 2020, how would you remember the year? I think 2020 would for me would be learning faith. You know, all these difficult times, I think what got us through is faith. Because anxiety took over, fears took over, depression took over. And if you still made it through fit and fine and looking good and smiling and sure about, confident about what's coming ahead of you, I think that's faith over fear. So yeah, right. Yeah. बट आपका एक प्रोजेक्ट बहुत सुपर हिट हुआ, इश्किया। अल्हम्दुलिल्लाह। और हम उस वक्त से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई थिंक यू वर नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड एट दैट टाइम एंड यू सेड के वी विल डू द इंटरव्यू बट नॉट देन। जब इश्किया खत्म हुआ, और पहले इश्किया खत्म हुआ जब एयर हुआ उसी वक्त खुदार मोहब्बत की भी शूटिंग चल रही थी, तो यू वर ट्रैवलिंग अ लॉट। और ये कैसा? इट वाज रियली अ हेक्टिक रूटीन फॉर मी, बिकॉज़ ऑब्वियसली वी वर शूटिंग इन सीरियस वेदर कंडीशंस, इवन दो अगेन माय लव फॉर सेवन स्काई एंड अब्दुल्ला गादवानी एंड असद कुरैशी इज क्रेजी, बिकॉज़ हाउ दे टुक केयर ऑफ मी इन सो इन सच वेदर कंडीशंस एंड व्हाट नॉट। बट इट वाज रियली टफ ऑन मी टू बी ट्रैवलिंग back and forth. Then I had like obviously there was so much going on. इश्किया आप की बात करते हैं पहले। आपको अंदाजा था कि इश्किया इतना हिट होगा? मुझे अंदाजा, मैं I like not being confident. I think I like to be confident but within my skin. Right. I think not outside, like I don't like to voice my confidence. ठीक है। Why? Because I think I believe confidence is good. Overconfidence takes you under. हाँ। So it's better not to voice your confidence. So I was constantly praying to Allah that, you know, begging that I wanted to work out for me, because obviously I put my heart and soul into something. So and everyone does. So they wanted to work out. So I wanted to work out, but there's a really beautiful story behind it. So when this Ishkia came out,
I had announced a break or let's say whatever from the chale acha hai aapne khud hi chhed diya ha from the industry yeah and you know all of a sudden I could see the real faces of people turning out you know that news and real faces of people turning out so something really funny happened I was talking to somebody on the phone and I was talking about Ishq Only when it had come out and I was like I was sharing my concern and I was like you know this needs to be done yeah that needs to be done and whatever so the person did not respond to me very happily on the phone call acha and even though the person was really scared after what he said acha and someone who really you know matters in the batayenge ki kaha kya I think it doesn't matter because what God did was He elevated me in His face, and what He thought it just turned out really something else because He thought that I was concerned about a few things because first I think two or three episodes they didn't do well, but later it just went like boom. Later ki baat hum of course it was going down ya ek plain static tha bilkul aur phir ekdam shaadi hoti hai. Yeah. And it just went out of the park. Yeah. ये जो chemistry थी, and this is the first time you shared the screen with Hania. Yeah. और लोग expect नहीं कर रहे थे या शायद कर रहे थे, लेकिन जब हमजा की और रुमैसा की शादी होती है, उसके बाद जो वो chemistry बनती है, उसके बाद लोगों ने actually मुझे call करके कहा हमने देखना शुरू किया है अब इन दोनों की वजह से. Yeah. ये क्या था ये chemistry क्या थी ये मतलब आपकी दोस्ती थी पहले हानिया से आप expect कर रहे थे कोई बात होती थी कि यार ये बड़ा अच्छा चल रहा है या See, the thing is, me and Hania, vibe क्या थी? मैंने और हानिया ने कभी काम पहले नहीं किया था लेकिन हम लोग obviously वो एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त है हम लोग सोशल पैच पे इतना मिलते थे और पार्टी करते थे मतलब पार्टी एज इन के कॉन्वर्सेशंस करते थे फन करते थे तो के उस के ऑलरेडी मतलब द वाइब वाज देयर फिर उसके बाद हम लोगों ने आई थिंक मी माय फ्रेंड्स ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स वुड चिल तो ऐसा कुछ नहीं था कि आई वाज मीटिंग हर प्रॉब्ली फॉर द फर्स्ट टाइम और आसिम भी आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं आसिम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है मेरा भाई है इनफैक्ट तो हम लोग जब मिलते थे तो ऐसा कुछ नहीं था कि सेट पे मैं पहली दफा हानिया के साथ मिला था या कुछ विद रमशा आई हैड ऑलरेडी वर्कड बिफोर बिल्कुल वो एक पल में एग्जैक्टली और रमशा के साथ मुझे ऐसा स्पेस मिला ही नहीं था कि मैं उसके साथ शायद इतना कंफर्टेबल सीन्स मुझे करने पड़ते मोस्टली मेरे और उसके सीन्स जो थे वो यूनिवर्सिटी में थे और देयर इज अ सर्टेन बाउंड्री एंड लाइन दैट यू कैन एक्ट इन एंड वी हैड टू जस्टिफाई दैट इट वाज अ रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड रमशा को विद हानिया ऑन द अदर हैंड we got married in the show and obviously when you move into a bedroom scene so it's more cozy and you have to make it believable that two people are married and what's happening now right so obviously then later it also comes in the show that you know Rumaisa Rumi was to become mother of my Hamza's child so again obviously that happens intimacy to Tina that happens with chemistry you know you have to show that these people they love each other and they whatever but it worked out because she's a very comfortable and a very very fine co-actor I really loved working with her yeah so I'm going to go into sticky territory now sure. chemistry on screen thi bilkul I give you the place that you can ask me whatever you want yeah. I will go into uncomfortable territory taking advantage of that relationship that I have with you and ask you that logo ne us chemistry ko leke aur usko construe aise kiya ki shayad in dono ke beech mein waqai koi relationship hai aur ittefaq aisa hua ki Hania ki relationship bhi Aasim ke sath she broke up during the same year और आपके रूमर्स हैं विल एड्रेस देम लेटर बट देयर वाज सो मच रूमर मॉन्गरिंग ऑनलाइन और लोगों ने जी प्रोग्राम्स कर दिए कि केमिस्ट्री और होम ब्रेकर और हाउ डिड यू फील डीलिंग विद दैट देखिए जी आसिम और हानिया के बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा बिकॉज़ यू नो दैट्स नॉट माय प्लेस टू से और स्पीक अबाउट मी एंड हानिया व्हाट आई रेड वाज really disturbing yeah why disturbing because obviously hamare sath bhi maa baap ki ek energy lagi bhi hai hamare sath hamare bhi emotions hote hain lekin jo mujhe mehsoos hua jo mujhe ehsaas hua na wo thode din pehle imran khan ne ek photo lagayi thi main is baat ko is tarah leke chalna chahta hu
एक फोटो लगाई थी जब वो आई थिंक ही वाज विजिटिंग अफगानिस्तान राइट एंड ही वाज देयर एंड ही वाज प्रेइंग ऑन अ प्रेइंग मैट एंड द कैप्शन वाज एज सच दैट थ्रू प्रेयर आई वाज एबल टू फाइट द फियर ऑफ बीइंग ह्यूमिलेटेड बाय पीपल बीइंग लॉस ऑफ लाइफ राइट फियर ऑफ डेथ तो ये जो मेरे साथ जो 2020 में सब हुआ मुझे ऐसा लगता है कि दिस वाज माय जर्नी दैट आई हैड पिक्ड अप फॉर माय सेल्फ और सॉरी आई एम रियली सॉरी नॉट आई हैड पिक्ड अप फॉर माय सेल्फ दैट वाज डिसाइडेड फॉर यू या दैट वाज डिसाइडेड राइट बिकॉज यू गो थ्रू दिस पाथ एंड देन यू सी दैट नथिंग रियली कैन किल यू बट what the most sad the most upsetting bit was that I it could take me 30 seconds to take a screenshot of a chat between me and Hania on that day bilkul and just clear the air bilkul lekin main dekh raha hu itne senior journalists jo hain wo apne 2 rupaye ke liye फजूल बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास एविडेंस है कि क्या होता था सेट पे तो पता नहीं क्या होता था या कैसे होता था जहाँ पे मैं उसको बोल रहा हूँ यार हानिया आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन उसने मुझे मैसेज किया कहती है व्हाट द हेल ब्रो व्हाट्स गोइंग ऑन यू नो व्हाई एम आई बीइंग ड्रैग्ड इनटू एनीथिंग आई एम लाइक आई एम रियली सॉरी आई एम टॉकिंग टू माय लॉयर्स माय पीपल इट कुड टेक मी लिटरली व्हाट 20 मिनट्स टू सेंड ऑल दीज गाइज लॉ सूट्स एक बंदा है अली हैदर जो कि एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है आई डोंट नो वो मुझे सुन रहा है या नहीं बट लेकिन वो सुनेगा उस तक पहुंचेगी बात वो समा का जर्नलिस्ट है और मुझे उससे पहले उसकी एग्जिस्टेंस का नहीं पता था मैं सिर्फ इसलिए उसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि ये वो बंदा है जो कहीं ना कहीं हमसे लेट से 10 मील दूर लेकिन है 10 मील दूर बाकी तो जितने भी पेजेस हैं वो अनऑफिशियल होते हैं उनको कुछ पता नहीं होता बिल्कुल और वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा है उसका बॉडी लैंग्वेज जो है वो इधर उधर देख के मजे लेके चस्के लेके बात कर रहा है दैट यू नो हमारे पास ये भी है वो भी है और इनके पीछे ऐसे चलता था तो फिरोज ने ब्रेक ले लिया उसके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं था उसको ये नहीं पता कि जो प्रोजेक्ट मेरा अभी आ रहा है दैट्स द बिगेस्ट प्रोडक्शन दैट हैज बीन डन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तानी टेलीविजन वी टॉकिंग अबाउट खुदा और मोहब्बत ठीक है such dramas are not made so this is what my point was ki all these things they only happened in my favor and god never failed to elevate me I feel that it has only helped me become more stronger and I think it has just got me more strength